मुझे खाना अभी भी अपने घर का बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अब काफ़ी शेफ्स हैं जो काम करते हैं आपके साथ, तो मैं उनको आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर कुकिंग फॉर मी एंड आई रियली लाइक, एक शेफ़ हमारी आरती संपत है, मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। Absolutely, you know, बहुत ये लोग सवाल पूछते हैं कि यू नो आप कहते हो खाने की डिटेल्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, पर जो वर्किंग वीमेन हैं उनके पास ना इतना टाइम है, ना इतनी वो है रिसोर्सेज हैं इन सम वेज कि वो बना सके। आई जस्ट थिंक वो कोड को ब्रेक करने के लिए जस्ट नीड टू बी लिटिल बिट मोर ऑर्गेनाइज एंड दैट इज़ इट। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रक्चर योर सेल्फ लिटिल बिट। आई नो बात करनी आसान है व्हेन वीमेन आर हैंडलिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इज हार्डर टू अप्लाई दैट, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके उसको प्लान कर सकते हैं, यू कैन डू मच बेटर इन किचन, विच विल बी सीमलेस फॉर यू। लाइक यू प्रेप थिंग्स लिटिल फास्टर, प्रेप थिंग्स लिटिल बिट मोर इन एडवांस उसके लिए। आई थिंक खिचड़ी या दलिया खुद में ही इतने खूबसूरत हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम उस पर टेक्स्चर्स ऐड कर सकते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अब खिचड़ी आपने ऐड किया तो यू नो यू कैन फर्स्ट सौते और यू नो ऑलमोस्ट लाइक ओवर कुक लिटिल बिट मशरूम्स और समथिंग विद द टेक्स्चर, और यू कैन ऐड अभी सब्जियों के सर्दियों की सब्जियाँ बहुत बढ़िया हैं, यू कैन ऐड दोज विच इज़ अमेजिंग। आप उसमें कलर्स का ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी गाजरें हैं तो यू कैन कुक इन गाजर के प्यूरे में आप खिचड़ी बना सकते हैं, आप चुकंदर के प्यूरे करके उसमें खिचड़ी बना सकते हैं। आई जस्ट थिंक कि आप जो कलर भी दे रहे हैं उसमें आप टेक्स्चर भी दे रहे हैं तो ऑल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं बहुत छोटा था, अगर रोटियां बेलने की बात होती है तो मैं वो तो बचपन 6-7 साल का था, तो सबको याद है कि मैं रोटियां बेलता था, सब मजाक उड़ाते थे कि यार कमाल है गोल रोटी बनती है, नेक्स्ट वेरी प्राउड। तो उसके बाद चाय और दाल बनाई थी, मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक जो खाना बनाता है ना उससे हमारे को एक इमोशनल कनेक्ट रहता है। आई थिंक इंडिया US एंड यू फील कि यू नो रूट्स हैं बंदे की, अभी तक थैंक गॉड थैंक्स टू माई मदर के सर भी स्टेबल एंड यू नो आई फील दैट इज़ नेसेसरी। आई थिंक उससे लोगों को लगता है कि यू नो ही मस्ट बी वेरी स्टेबल। आइडल फूड वही होना चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन्स एंड टाइमिंग सब की चेंज हो चुकी है, वी आर रनिंग आवर ब्रेन्स विद डिफरेंट क्लॉक्स, पर सफ़र करता है तो सिर्फ पेट, जो मोस्ट सबसे ज़रूरी है इनमें से टू रन द होल मशीनरी। आई थिंक अ बैलेंस्ड डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन अ डाइट इट इज़ एक्चुअली द लाइफ स्टाइल।